फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, समन और वारंट के बारे में, यानी कि समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारी बार लोगों के पास में समन आता है तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि समन आया है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो गाइज आज ये हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है, किसको ये भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है। ठीक है, तो गाइस वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि समन और वारंट क्या होता है। तो देखिए, ये जो समन्स होता है, SUMMONS, समन्स, ठीक है, इसको हम समन कहते हैं। बताऊंगी कि इसको समन्स क्यों कहते हैं, समन क्यों नहीं कहते। हिंदी में हम इसको समन कहते हैं और इंग्लिश में समन्स कहते हैं। ओके, तो ये एक वर्ब होती है, वर्ब फॉर्म में होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट। यानी किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि बुलाने के लिए। हिंदी में इसको बुलावा पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरह की ऑफिशियल डिमांड होती है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है आप प्रेजेंट हों, लॉ कोर्ट में जो है किसी भी आप प्रेजेंट हों, उपस्थित हों, अपीयर हों। तो ये जो है समन जो है कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, या फिर पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, या फिर आयोग भी कभी कभार जो है समन जारी करता है कुछ मामलों में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये है जब समन जारी होता है तो किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। किन चीज़ों के लिए, किन बातों के लिए, या तो किसी मामले में पूछताछ के लिए, या फिर ये साक्षी के लिए भी हो सकता है कि भाई आके जो है गवाही दें, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि कोई दस्तावेज़ है आपके पास उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कोर्ट में पेश करने के लिए भी जो है समन जारी किया जाता है। तो समन्स की अगर हम लोग बात करें, ये हमेशा दो कॉपियों में, यानी कि दो प्रतियों में जारी किया जाता है, इसी वजह से इसको समन्स कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दो कॉपियों में हमेशा जो है समन जाता है। इसके प्रावधान अगर हम लोग बात करें तो CRPC का चैप्टर 6 है, वहाँ पर सेक्शन 61 से लेके 69 तक जो है हमारे समन के बारे में प्रोविजन्स हैं, यानी कि पूरी डिटेल वहाँ पर दी गई है। कभी इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा, जब हम लोग CRPC के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं वारंट। वारंट को हम हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं, अधिकार पत्र। ओके, तो न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि आप जाइए किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके लाइए। तो न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को भी जो है ये अधिकार दे सकती है। और देखिए, हमने बात की थी कि समन्स जो है वो दो कॉपीज़ में होता है, लेकिन जबकि हम बात करें वारंट की तो वारंट एक ही कॉपी में होता है। ठीक है, तो समन उस व्यक्ति के नाम पे जारी किया जाता है जिसको बुलाया जाना है, और जबकि वारंट अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिसको कि अधिकृत किया गया है, यानी कि जिसको ऑथोराइज किया गया है गिरफ्तार किए जाने के लिए, यानी कि गिरफ्तार करके लाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो है वारंट अभियुक्त के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, वारंट साक्षी को बुलाने के लिए भी जारी किया जा सकता है, वारंट जो है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए भी जारी किया जा सकता है, या फिर तलाशी के लिए भी जारी किया जा सकता है, जैसे कि तलाशी वारंट, सर्च वारंट का नाम आपने सुना होगा। तो गाइज अगर हम इसके प्रोविजन्स की बात करें CRPC में, इसके प्रोविजन भी चैप्टर 6 में हैं, सेक्शन 70 से लेके 81 तक। तो ये हुआ हमारा समन और वारंट क्या होता है। तो गाइज आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, और कानून की ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो है आपके लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ बैकग्राउंड से ही रिलेटेड हो स्टूडेंट या पर्सन, बल्कि ये सभी के लिए जो है ज़रूरी है, इस देश के नागरिक हैं तो हमें कानूनों की छोटी छोटी जानकारियाँ होनी बहुत आवश्यक हैं। तो गाइस इसी तरह से वीडियोस को जो है लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।